नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C21Y versus Poco C31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C21Y में 6.48 इंच जबकि C31 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो C21Y में 2.99 इंच जबकि C31 में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो C21Y में 0.36 इंच जबकि C31 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो C21Y में 200 ग्राम्स जबकि C31 में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C21Y में 6.5 इंचेस जबकि C31 में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C21Y में 81.59% जबकि C31 में 80.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C21Y में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C31 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C21Y में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और C31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C21Y में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C21Y में माली G52 जबकि C31 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C21Y में यूनिसॉक T610 और C31 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 3GB 4GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो C21Y में अप टू 256GB जबकि C31 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो C21Y में Android V11 जबकि C31 में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C21Y में दो फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco C31 की तो उसमें 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C15 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Realme Narzo 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 आई है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।